नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सांस वशीकरण टोने टोटके तंत्र मंत्र, कि हाँ सांस को काबू में करने के सरल उपाय। अगर आप भी हैं अपनी सांस से परेशान और आपकी घर गृहस्थी का जीवन बड़ा ही दुर्लभ चल रहा है, आप अपनी सांस को काबू में करना चाहती हैं, अपनी सांस को वश में करने के टोटके उपाय आप सर्च कर रही हैं, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली है, अगर आपको टोटके मिले भी हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आप इस वीडियो में जान सकते हैं सांस वशीकरण कैसे होता है, कैसे आप अपनी सांस से अपनी हर एक बात मनवा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को आगे लेकर। कोई भी बहू अपनी सांस को वश में करने के तांत्रिक उपाय का मंत्र का सहारा ले सकती है, जिससे कि आपका शादीशुदा जीवन में कोई बाधा न आए। ससुराल एक प्यारा सा शब्द, ऐसी जगह है जो लड़की का मायके के बाद उसका अपना घर होता है, और यह तब होता है जब उसे मान और आत्मिक संतोष मिलता रहे। लेकिन अगर उसे दिन भर सास ससुर की खिच खिच और ताने सुनने पड़े तो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है, उसे वह घर अपना नहीं पराया लगने लगता है। वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती है। अगर आप भी इसी समस्या से ग्रस्त हैं तो निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। हम आपको सास को वश में करने के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से सास आपकी मुट्ठी में रहेगी, आपकी हर एक बात मानने के लिए वो विवश हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कैसे आप सास का वशीकरण कर सकते हैं और कौन से उपाय टोटके हैं जिनकी मदद से आप ऐसा कर पा रहे हैं। तो नंबर एक टोटका है, सास के किसी भी कपड़े का थोड़ा सा अपने टुकड़ा काट कर उसका नाम उस पर लाल पेन से लिख लेना है। कोई भी कपड़ा काट सकते हैं आप। इसे 3 दिन तक अपने पास रखें, उसके बाद इसे किसी भी सुनसान स्थान पर जाकर जला देना है, और इसे आप दफन भी कर सकते हैं। इस टोटके को जितना जल्द करेंगे और साथ में वशीकरण मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी सांस को मुट्ठी में कर सकते हैं। सांस वशीकरण मंत्र इस प्रकार है, ओम वशीकरणाय वशीभूताय दुख निवारण कष्ट निवारण गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। तो नंबर 2 टोटका है, सांस वशीकरण टोटके में एक अन्य टोटका, घर में मोर के पंख रखें, कबूतरों को अपने घर में न बिल्कुल ना आने दें, कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति उपहार में चांदी दे तो उसे ना लें। ऐसे ऐसे कुछ बहुत से टोटके हमारे पास हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकती हैं और आप सभी विधि उपाय टोटके जान सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।